हेलो एवरीवन वेलकम टू सावल क्लासेस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आई एम रिया एंड आई एम हियर टू टॉट यू फिजिक्स ठीक है तो आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे फर्स्ट द सिलेबस ऑफ द मास्टर कैडर फिजिक्स एंड सेकंड जो भी हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके रिलेटेड आपको जो इंफॉर्मेशन फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स वो सब कुछ आज डिस्कस ठीक है तो नाउ लेट स्टार्ट विद द सिलेबस तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स की ही नहीं बल्कि मास्टर कैटर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायो केमिस्ट्री उन सभी की भी जो कोचिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल है और ये जो कोचिंग है वो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे से स्टार्ट हो रही है तो, uh, the, uh, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है नाइन बुक्स के आसपास हमारे पास बुक्स तो इन नाइन बुक्स में से हमारे पास जो फाइव टू सिक्स बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे मास्टर कैडर के एग्जाम के लिए अभी इंपॉर्टेंट का क्या मतलब हुआ यानी कि मोस्ट ऑफ द जो आपका पेपर है वो इन्हीं बुक्स में से कवर हो जाएगा यानी कि ये जो मोस्ट ऑफ द पेपर है हमारा वो इन्हीं छह बुक्स में से कवर हो जाएगा और जो बाकी रह जाएंगी वो हमारी खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कि उसमें से पेपर आता ही नहीं है आता है बट तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा उन्हीं पाँच छः बुक हो जाएगा उसके बाद जो रह जाएगा वो हमारा आ, लीस्ट इंपॉर्टेंट हम उसको कह सकते ठीक है सो जैसे हम ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट बुक है ये है मकैनिक्स इसका आगे पार्ट है मकैनिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी मकैनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्लासिकल मकैनिक्स में आ जाता है ये वाला जो पोर्शन है ये क्लासिकल मकैनिक्स को कवर करती है तो जस्ट uh, लाइक uh, like, देखो uh, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स तो ये जो क्वांटम फिजिक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक में से ठीक है जो कि हमारे अगेन मास्टर कैडर के पेपर में से इसमें से काफी पोर्शन आ जाता है क्वांटम फिजिक्स में से काफी पोर्शन कवर होता है इसके अलावा हमारे पास है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है Uh, the third one is हमारे पास इसके आ हमारे पास जाती है ऑप्टिक्स लेजर एंड ऑप्टिक्स जो की वेव्स एंड वाइब्रेशन वाला सारा पोर्शन एंड ऑप्टिक्स ये सारा सिलेबस के अंदर एक ही बुक में मतलब तो एक ही टॉपिक में लिखा हुआ है वो अभी हम यहाँ पे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इसमें से भी बहुत सारा पेपर आता है तो फिफ्थ वन इज सॉलिड स्टेट एंड तो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी काफी पोर्शन ऑफ द पेपर कवर होता है तो ये पांच से छह बुक्स हैं जो कि uh, हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द जो uh, हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है पेपर्स का ये सब उसके ऊपर ही बेस्ड हम एस्टिमेट uh, कर सकते हैं ना बाकी तो जैसे पेपर आएगा बट ये सब कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर हम देख रहे हैं उसमें से जो हमने एनालिसिस किया है वो ये है कि क्वांटम फिजिक्स में से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है न्यूक्लियर पार्टिकल्स में से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में से अच्छा खासा पेपर आया हुआ है स्टेटिस्टिकल एंड ऑप्टिक्स में से भी बहुत पेपर आया ठीक है तो या लेट स्टार्ट अभी देखो ये जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यानी कि पेपर में अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है ठीक yeah. है uh, लेकिन ये और ऐसा भी नहीं है कि इसमें से पेपर आता ही नहीं है ठीक है इसमें से पेपर आ सकता है अब आप खुद देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ रोटेटरिंग फ्रेम्स फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स टू बॉडी प्रॉब्लम कैपलर स्लो रदर फोर्स कैटरिंग सेंटर ऑफ मास लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम रिजिड बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आइलर इक्वेशन डाइट राइटॉमिक मॉलिक्यूल ये जो सारा पोर्शन है ये सारा आप देखेंगे कि प्लस वन के टॉपिक्स ही हैं ठीक है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है ये सारा बहुत ही बेसिक है प्लस वन का टॉपिक है सारा हाँ जो टॉप एंड प्रोसीज मोशन है गायरोस्कोपिक है ये थोड़ा हायर लेवल का आ जाता है इवन ये जो गायरोस्कोप मोशन है तो मास्टर्स का भी टॉपिक है ठीक है तो ये जो सारा पोर्शन है ये ज्यादातर ज्यादातर पोर्शन जो है वो हमारा प्लस वन है, है? इसके अलावा देखिए मैकेनिक्स ये जो बर्नॉलिज सुरो है इलास्टिक कॉन्सेंट ऑफ सॉलिड्स है ये सारा कुछ किसमें से कवर हो रहा है प्लस का ही कवर हो रहा है ठीक है

मतलब अगर ऊपर वाला पोर्शन कोई भी नहीं आया हो यानी कि मैकेनिक्स 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 ऑफ 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 पार्टिकल रिजिड बॉडी मीडिया इनमें से अगर कुछ भी नहीं आया हुआ है फिर भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आए हूँ तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इन द क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगेन बट इसका जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला टॉपिक है इसमें से दो तो

तो ये अगेन ये जो टॉपिक है इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन जोटिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अब अगर आप इनके मतलब टॉपिक्स देखें इफेक्ट यंग रेशियो ये तो लोअर क्लासेस का ही आ गया ठीक है लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ें तो ये प्लस वन प्लस टू में हम पढ़ते तो हैं बट ग्रेजुएशन का ऑब्वियसली क्राइटेरिया वाइड हो जाता है तो ये ग्रेजुएशन के अंदर वाला भी काफी इम्पोर्टेंट ठीक है इसके अलावा अगेन ये जो लेजर वाला टॉपिक है हमारे पास इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, से हुए है तो लेजर भी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म अभी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर देखिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कॉल है ना इनका सिग्निफिकेंस तो डाइवर्जेंस एंड कॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना वन वन मार्क के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके अलावा गॉज लो स्टॉक्स थ्योरम ठीक है इनके बेसिस के ऊपर जो है क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी एंड की बुक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आए नहीं हुए बट ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है वन वन मार्क का मतलब क्वेश्चन आ गए तो आ गए ठीक है इसके अलावा देखिए हमारे पास जो हमारे पास ब्लैक बॉडी वाला भी

ड्यू लॉन्ग लॉ लॉन्न एंड इट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बट जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो हमारे पास ज्यादा प्रॉबीबिलिटीज फर्मियॉन्सॉन इनके ये सब हम ग्रेजुएशन uh, के अंदर कवर करते हैं बहुत अच्छे से तो अ अस्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ये चीज़ जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है अगेन हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में से बहुत सारा पोर्शन ऑफ पेपर कवर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं मास्टर के अंदर तो क्वांटम मैकेनिक्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी और इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे uh, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बुक है क्वांटम मैकेनिक्स तो इसमें से काफी पोर्शन सिलेबस का कवर हो रहा है उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स ये बुक कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स देख रहेगा बट इसके अंदर से भी जैसे एल एस कपलिंग जे जे कपलिंग जीमन इफेक्ट या फिर रामन इनके बेसिस के ऊपर जो जा चुके हैं तो ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए इसके अलावा हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स तो देखो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या है ये भी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स में आ रही है जैसे क्वांटम फिजिक्स वेव एंड वाइब्रेशन ऑप्टिक्स एंड लेजर उसी तरह से जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बुक है ये काफी इम्पोर्टेंट

तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल इस तरह से कंबाइन जरूर किए गए हैं बट अगेन ये एक अलग अलग पोर्न है न्यूक्लियर के के अंदर भी न्यूक्लियस बारे में ही बात की जा रही है एंड पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस की इनबिल स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ हेड्रॉन फील्ड क्वांटम ऑफ क्वान्टेक्ट्रोविक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ये सारा जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है बट इनमें से पेपर आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक तो इसको हम बहुत ईजी पढ़ेंगे और इसके अंदर से पेपर आता है अगेन पार्टिकल फिजिक्स में इन वाले टॉपिक्स में से पेपर आया हुआ है ठीक है इसके बाद देखिए सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है तो डिबाई थोरी डाया पैराफेरा इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है देन है ना तो ये जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो है कवर हो रहा है तो या ये हमारी आठ नौ जो जो भी बुक्स थी यही है हमारा सिलेबस तो क्या ठीक है तो अभी सिलेबस की डिस्कशन नहीं तक इसके अलावा आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कोर्स क्या है कि आ, हमारे यहाँ पे क्या है जो जो भी आ, बच्चा पेड कोर्स लेगा ठीक है आ, उसमें क्या है हमारे डेली लाइव क्लासेस जो है लगा करेंगी लेकिन जो टाइमिंग रहेगी वो टू पी एम के बाद ही रहेगी सारी क्लासेस क्योंकि ऑब्वियसली सारे है सा जो है हो गया अपना जॉब वगैरह से फ्री होके वो इजली जो है टू पी एम जो है लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और ठीक है ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लाइव क्लासेस को ही लगाना है बट अगर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेटर है तो अगर लाइव क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं लोग तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो उन कोर्सेज को मतलब क्लासेस को देख नहीं पाएंगे तो वो बोले जो लेक्चर हैं

मतलब पता चले actually, में कि पेपर किस तरह से आया हुआ है या फिर उनको किस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन है वो आपको सारे बहुत अच्छे से कराए जाएंगे अभी ये जो अगेन मैं आपको बता दूं कि जो एनालिसिस किया गया है वो प्रीवियस ईयर के बेस के ऊपर ही किया गया कि ये बुक इंपॉर्टेंट है और ये बुक अन है तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता जाएगा आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस ठीक है इसके अलावा आपको जो चाहे चैप्टर वाइज जो है सेशनल टेस्ट भी लिए जाएंगे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया क्वांटम फिजिक्स हो गया इन सभी को पूरा कराने के बाद आपके सेशनल जो है वो टेस्ट भी लिए जाएंगे नॉर्डर की आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती इसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पाँच मेगा मोक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि सारे जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद सारा पेपर पढ़ने के बाद सारी थ्योरी के बाद जो है आप अच्छे से कैपेबल हो सको आगे पेपर में भी मॉक टेस्ट नहीं हो, तो वो भी सारा कुछ आपको कराया इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि लेट सपोज अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट का कोर्स जो है वो बाय कर रहा है ठीक है तो उसकी जो हमारे पास फी रहेगी वो सेवन थाउजेंड रहेगी लेकिन वही अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट बाय कर रहा है ठीक तो तीनों तीनों तो उसके लिए जो फीस रहेगा वो ट्वेल्व थाउजेंड रहेगा ठीक है तो ये फीस स्ट्रक्चर है जिसको भी जो है बाय करना है कोर्स इसके अलावा आप सावल क्लासेस सावल अबोवर प्ले स्टोर से जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप आप पे आपको हमारे फ्री डेमो भी मिलेंगे और आप जो है इसमें से चेक कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑर्डर कि आपको हर एक पेपर की जो इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है बहुत ईजी है कि अपना नेम आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं आपके सब्जेक्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं ये सारा कुछ हमें इस व्हाट्सएप पे जो है मैसेज uh, कर दीजिए आपको जो है व्हाट्सएप uh, ग्रुप का हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना ठीक है इसके अलावा अनदर ऑनलाइन पेड ग्रुप जैसे कि इंग्लिश हिंदी पंजाबी सोशल साइंस साइंस मैथामेटिक्स ये भी जो है अवेलेबल हैं जो भी बच्चा uh, ये खरीदना चाहता है वो हमारे ऐप से खरीद सकता है और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी